आज इस 2 मिनट टेक्निक या 2 मिनट रूल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो दी फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताई गई है, जिसे फेमस ऑथर जेम्स क्लियर ने लिखा है। और अगर इस 2 मिनट रूल को हमने अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया तो हमारी जिंदगी को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सबकी जिंदगी बस एक कारण से नहीं बदलती है, और वो कारण है हमारी टालने की आदत। और ये टालने की आदत इतना ज्यादा खराब है कि हमारी पूरी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर देती है, हमारे सपनों को हमसे छीन लेती है, और हमारे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पर आखिरकार ये टालने की आदत है क्या? तो ये टालने की आदत है, मैं आज नहीं कल करूंगा, और ये कल फिर कभी भी नहीं आता है। और ये कल करने वाली आदत एक दिन हमारी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। पर ये 2 मिनट वाला रूल हमारे इस कल करूंगा वाले आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, क्योंकि जब भी आप कोई नई आदत को बनाना चाहते हो या किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हो तो आप इस 2 मिनट वाले रूल को फॉलो कर सकते हो। कोई अच्छी आदत को शुरू करने से पहले ये ठान ले कि कोई भी काम को शुरू करने से पहले आपको उस काम को बोरिंग होने से बचाना है। और ये 2 मिनट वाला रूल हमें यही बताता है, जब भी हमें कोई भी नई आदत को शुरू करना है तो हमें 2 मिनट से भी कम का समय लेकर उस काम को शुरू करना चाहिए। और आप कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचें कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए। इसलिए जब भी आप कोई नए काम को शुरू करें तो पहले बस उस काम को 2 मिनट कीजिए, इससे वो काम आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 मिनट किताब पढ़ना नहीं कुछ पढ़ने से अच्छा है, 2 मिनट एक्सरसाइज करना नहीं कुछ करने से अच्छा है, 2 मिनट उस काम को करना जो आप बहुत दिनों से करना चाहते हो नहीं कुछ करने से अच्छा है। हो सकता है ये 2 मिनट वाला रूल आप में से काफी सारे लोगों को मजाक की तरह लग सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम हर दिन बस 2 मिनट तक लगातार करते जाओगे तो आप खुद को लंबे समय तक उस काम को करने के लिए तैयार कर रहे हो, और ऐसा करते करते वो काम करना आपकी एक आदत बन जाएगी, और आप इस 2 मिनट रूल का यूज करके अपने कोई भी गोल या सपने को आसानी से अचीव कर सकते हो। और कुछ भी नई चीज की शुरुआत करने के लिए ये 2 मिनट वाला रूल एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है हर बड़ी जीत हमें छोटे छोटे कदमों से चलने पर मिलती है। और आपने बस एक बार अपने इंजन को स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहोगे। तो क्यों ना अपनी मंजिल का सफर सबसे पहले बस 2 मिनट हर दिन कुछ ऐसा करके किया जाए जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आज से ही अच्छी और नई आदतों की शुरुआत कीजिए, उन्हें कल पर मत टालिए, और ऐसा आप इस 2 मिनट रूल का यूज करके काफी आसानी से कर सकते हो। और हम संत कबीर के इस दोहे को अच्छे से जानते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए मैं संत कबीर के इस दोहे को समझाते हुए यही कहना चाहूंगा, जिस काम को कल करना है उसे आज करो, जिस काम को आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि कुछ ही समय के बाद जब जीवन खत्म हो जाएगी तब आप अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आखिरी में मोस्ट फेमस चाइनीज फिलोसोफर लॉजू की एक बात कहना चाहूंगा, अपने विचार को देखो वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं, अपने शब्दों को देखो वो तुम्हारे कर्म बन जाते हैं, अपने कार्यों को देखो वो तुम्हारे आदत बन जाते हैं, अपने आदतों को देखो वो तुम्हारी चरित्र बन जाती है, अपने चरित्र को देखो वो तुम्हारी भाग्य बन जाती है।